जाने क्यों आज मुझे सुबह से आपकी बहुत याद आ रही है राधा। और जैसे तेरी आती मेरे रिवाल्वर में लोहा है तो तेरे भी रिवाल्वर में लोहा है। ये गोली किसी को माफ नहीं करती है राखा। इस वक्त हम दोनों एक दूसरे के ठीक निशाने पे हैं। उंगली का इशारा हुआ टाइगर दबते ही एक मुजरिम मारा जाएगा, लेकिन अफसोस ये है कि एक कानून का रखवाला भी शहीद हो जाएगा। शहीद इसलिए मैं खून खराबा नहीं चाहता राखा, तेरी भलाई इसी में है। तू खुद को कानून के हवाले इंस्पेक्टर, मैं कहता हूं कि मेरे रास्ते को छोड़कर के यहां से भाग जाओ, इसी में तेरी भलाई होगी। लगता है कि तू भी किसी बबर शेर का बेटा है, तो हमने भी किसी शेरनी का दूध पिया है राका। फैसला इस तरह से नहीं हो सकेगा, फैसला मैं करूंगा। संबल मेरा है और फैसला तू करेगा। आज मैं अपना रिवॉल्वर तेरे चम्मल में फेंक रहा हूं। अगर है तू असल पाप की गुलाम, असल पाप की औलाद, यदि मां के दूध का जरा भी असर है तो फेंक दे पिस्तौल, दो दो हाथ मलित के हो जाए, देख लो किस में कितना पानी। मुझे बेहद पसंद है तो बजने दे सहनाई।
हाथों से अपनी बहन की मां का सिंदूर लाता। वाह बहन वाह, अच्छा सिला दिया है तुमने बहन होने का। इसी दिन के लिए तुमने ये राखी का वचन उधार किया था, कहा था भैया वक्त आने पे मांगूंगी, यही तेरा वक्त है, जो आज उस वचन को मांग लिया। मत कहो मुझे भैया, मर गया तेरा भाई तेरे लिए, बहन मुझमें ऐसी कौन सी कमी तुम्हें नजर आई, जो तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। अरे हमने तुम्हारे वास्ते क्या नहीं किया, तुम्हारी खुशियों के लिए जिस जिस जगह पे तुमने अपने कदम रखे वहां वहां हमने अपना दिल बिछा दिया। आज तुमने एक बागी डाकू को अपना जीवन साथी बना लिया। अरे बहन, इस लुटेरे में तुम्हें कौन सी चीज पसंद आई जो तुमने इसे अपना जीवन साथी बना लिया। भैया ये उसी दिन की बात है जब मैं आप ही से इजाजत लेके चमन बाग घूमने गई थी। रास्ते में जंगल आ गया और जंगल में शेर ने मेरे ऊपर आक्रमण किया। मैं चिल्लाई जोरों से, उसी समय डाकू ने आकर मेरी जान बचा लिया भैया, और मजबूर होकर उन्हें अचानक का बदला ना चुका सकी, मैंने अपना जीवन साथी बना लिया। अरे वाह बहन वाह, शेर 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 शेर, इसने तेरी जिंदगी को बचा लिया तो उसके बदले में तूने अपनी सारी जिंदगी एक दांव पे लगा दी। एक डाकू को अपना जीवन साथी बना लिया। अरे बहन ये डाकू है, शायद तुझे नहीं मालूम, डाकू के हाथ में बंदूक तो जरूर होती है, डाकू के हाथ में बंदूक तो जरूर होती है, लेकिन हर वक्त हर रोज तुझे सर पे कफन बांध कर चलना पड़ता है। डाकू की जिंदगी पानी का बुलबुला है, ना जाने कब और किस वक्त उसकी मौत हो जाए। और बहन ये तो वो डाकू है, ये तो वो लुटेरा है, आज तक अपनी जिंदगी में न जाने कितना पाप किया है, न जाने कितनी बहनों के मां का सिंदूर मिटाया है, न जाने कितनी मां की गोद को सुनी कर दिया है, न जाने कितने बच्चों को यतीम बना दिया। यतीम मैं डाकू हूँ, डाकू है कैसा डाकू है मेरा भगवान ही जानता है। अरे लुटिया चोर भगवान को भी दोषी बना रहा है। हाँ मैं डाकू हूँ, वो कैसा डाकू हूँ, रात के अंधेरे में अमीरों की तिजोरी को लूट करके और दिन की रोशनी गरीब और अमीरों को, गरीबों को। अगर मैं डाकू हूँ तो मुझसे पढ़ करके तू भी डाकू है। इससे तू तो वह डाकू है जो दिन की रोशनी में गरीब और यतीमों को तो उनसे रिश्वत ले करके और अपनी पाकेट को मजबूत करता है। राका तो राका मेरे ईमान को गाली मत दे, मेरे ईमान को गाली मत दे, इस वक्त तू नहीं तेरा वक्त बोल रहा है। क्योंकि तूने मेरी बहन के दिल पे अपनी मोहब्बत का कब्जा कर दिया है और हमने अपनी बहन को वचन दिया है, राखी का वचन जो कभी तोड़ा नहीं जा सकता। काश आज मैं राखी के वचन से बंधाना होता तो यहाँ तू नहीं तेरी लाश नहीं। राखा कभी किसी के एहसान को लेकर नहीं चलता है। इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ, ये मत सोच कि तेरे खौफ से तेरे चमल से जा रहा हूँ, नहीं, राखी के वचन को निभाने के लिए। लेकिन याद रख,
कभी भी मुलाकात होगी तो हम नहीं हमारे रिवॉल्वर की गोलियां बनेगी। जाते वक्त जरा मेरी बात सुन ले, क्या कहा कि तो राखी के वचन से बंधा है इसलिए मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता, और ये राखा वो फौलादी डाकू है जो कि जेल की मोटी मोटी सलाखों को तोड़ करके और बाहर निकल जाता और क्या कह रहा है, एहसान बहन का एहसान नहीं इंस्पेक्टर, राका आज तक अपने सर पे किसी का एहसान लेकर के नहीं चलता। आज मैं तेरी बहन से रिश्ता तोड़ रहा हूँ और ये पिस्तौल तेरे सामने फेंक रहा हूँ, राखी के बंधन को और भूल जा रिश्ते नातेदारी को, लगा मेरे हाथ में हथकड़ी और अपना फर्ज पूरा कर। मेरे मजहब को गाली दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, तू इसे तुच्छ धागा समझता है, तुच्छ धागा नहीं तोड़ सकता तू तो शायद तुझे इस धागे की कीमत नहीं मालूम है, ये तुच्छ धागा नहीं, ये तो हमारे हिंदू समाज की सबसे सबसे मजबूत एक पुख्ता बुनियाद है, जो कि बहन भाई का प्यार एक मामूली धागे से बंधा है, और बहन जब अपने भाई के हाथ में धागा बांधती है तो भाई बहन की रक्षा करने का वचन देता है, और यदि आज हमने अपने फर्ज के लिए इस रिश्ते को तोड़ दिया, ये धागा तोड़ दिया, तो हमारे हिंदू समाज की बहनें अपने भाई से रिश्ता तोड़ देंगी, कोई बहन अपने भाई के हाथ पे राखी नहीं बांधेगी, और ये रक्षाबंधन का त्योहार यहीं से दफन हो जाएगा। अरे तू क्या समझेगा रे जंगली, जंगल में पैदा हुआ और बड़ा हुआ तो पिस्तौल लेकर के दूसरे के धन को लूटने लगा, काश तेरी भी एक बहन होती, वचन देता राखी का वचन, तो शायद इस राखी की कीमत तुझे अगर कहीं दोबारा तेरी जुबान पे बहन का नाम आया तो मैं दुनिया को आग लगा दूंगा, आग जला कर राख कर दूंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, मैं तुझे तबाह कर दूंगा, मैं तुझे चैन से जीने, मैं मौत से मरने नहीं दूंगा। जब तक दुनिया में सूरज चांद कायम है तेरी मेरी दुश्मनी सलामत है। बेटियों से नीचा देख जाते हैं, वाह बहन क्या मेरे दिल का अरमान था कि मैं अपनी बहन की शादी ऐसी जगह से करूंगा, जब मेरी बहन की बारात आएगी तो देखने वाले देखेंगे कहेंगे विजय की बहन की बारात आई है, तुमने तो मेरे अरमानों को पानी से धुल दिया बहन, ये कोई तुम्हारे जिस्म का लिबास नहीं था जो तुमने अपनी मर्जी से मेरे इरादे को बदल दिया, तुमने डाको राका से मोहब्बत किया है तो मैं इस मोहब्बत को जोड़ कर दिखाऊंगा, एक दिन इसी राका से तेरी शादी रचाऊंगा, लेकिन आज के बाद रास्ते में मिलने की जरूरत नहीं करोगी, चलो घर को। जिस डाको की गिरफ्तारी के लिए यूपी और एमपी की पुलिस परेशान थी, उसकी गिरफ्तारी का वक्त आया तो उसने मेरी बहन के दिल पे अपनी मोहब्बत का कब्जा कर दिया, ठहर रखा नहीं किसी ने मिटाया है, तो मैं इस मोहब्बत को छोड़कर दिखाऊंगा, मेरा वादा है मैं अपनी बहन की शादी राका से, और ये है अमर सिंह,
कुमार सिंह सलारपुर निवासी 50 रुपए मेला कमेटी में देते, कमेटी की तरफ से धन्यवाद। गोलियों से होगी। तेरा कहना बिल्कुल ठीक है, अगर कहीं पुलिस की गोली से मैं मारा गया तो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी और मेरे दुश्मन हमेशा के लिए सलामत। आज तो उन दरिंदों का नाम मेरी जुबा पे आ रहा है जिन दरिंदों ने आज मेरे मुझे इस मंजिल पे पहुंचाया है। पहाड़ी, तुझे एक काम करना होगा, ये जो मैंने खत तैयार किया है इस खत को तुम्हें लेकर के कहां जाना होगा? कहां? उसी हराम जादे कौशल सिंह की हवेली को, और हर मौके तुझे देख करके आना होगा किधर से हम लोग जाएंगे और किधर से वापस आएंगे। जाओ तुम जाओ, काहे मरवाई डरी हो? अरे नहीं, तू डरता है? नहीं हम डरते हैं, नहीं हम डरते हैं, तुम्हें का तो मालूम है हमका बर्दाश्त नहीं होती है गुस्सा। चाहते जान कहो हम क्या उठक कर बात बोल दे तो हमका चार छह कतल कर पर जी है। हाँ मतलब जई हम है, जय जिंद बाबा जिंद भूमि। बहुत कुछ आयत से बढ़ रहा है, क्या है, कौन है रे? और जान जाई हो भाई, क्या जानते कि कौन है तू? समझाओ नहीं, समझो नहीं का नौवा है। क्या खबर लेकर के आया है? निमंत्रण कार्ड। निमंत्रण कार्ड ठीक है, हमें लाओ। कहा उधर कहा रही, उधर कहा जा रहा है? इधर रास्ता नहीं है, तुम जहाँ से आए हो वही चले जाओ। कहा बता रहे हो आप कहाँ जाए पे उतर रास्ता भगवान लेके क्या समझता है तू? नहीं कहते हो जहाँ आए हुए चले जाओ। अरे जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस जाओ। जो रास्ते थे वही आए? हाँ उसी रास्ते से जाओ। हम कहीं वो रास्ता बताते हैं, ऐसी का है ये रास्ता सुरंग का है। हम लोगों का सुरंग का मतलब हम लोगों का रास्ता है, यानी हम लोग किसी स्मगलर थे, माफिया थे। अच्छा अच्छा, ये कहीं पुलिस का छापा पड़ गया। हाँ। तो हम लोग इस रास्ते से आए। हाँ। और इसी मोड़ का रास्ता हो जो रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। अब कोई जान नहीं पावत? कोई नहीं। या बात ही गुप्त रास्ता तुम्हारे लोगों का है? हाँ ये गुप्त रास्ता है ना, तो ऐसे तो जाए पे भाई ये वर्ते चले जाए। वहाँ जाओगे साले अंदर फंस जाओगे, निकल नहीं पाओगे बाहर। हाँ बात सही है, तो ये वर्ते चले जाए, उधर से निकल जाओ। जय राम जय राम। सुनो कौशल में सागर सिंह, बात को ध्यान से मेरी, खबर लूंगा जल्द ही जरा इसमें नहीं बना है रह का डाकू तुम्हारे जुल्म के खातिर हवेली पे तुम्हारे करने वाला हो फेरी। लूटा बहन की इज्जत लिखने वाला साला बिल्कुल गधा मूर्ख पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिले के लूटा बहन की इज्जत पिता धर्मों को मारा है। मेला कमेटी से निवेदन है, जहां मेला लगा था वहां ये पाई पाई पंडाल की पड़ी अपनी उठवा लो भैया, आए हैं बताने। चलो चलो हम अपना पत्र पढ़ रहे हैं। लूटा बहन के इज्जत पिता धर्मों को मारा है, लगा दी आग घर मेरे सब करतूत है तेरी। चलो हम दोनों भाई गांव को त्याग कर, अरे लोसे बदल बिछड़ भाई गया मेरा, बदल किस्मत गई मेरी। तब इसे रागा डाकू चंबल का सरताज कहलाता है, बदला लेने के लिए दिल में ठान है। 4,440 से बोल खतरा,
तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू का सरदार डाकू राका और प्राकेश ग्राम हरिपालपुर पुत्र धर्म नौकर गवाह गवाह अरे तत्ता गवाह अरे वो बात नहीं है रे अरे धमकी भरा खत आ गया कौन धमकी अरे साला धमकी धमकी भरा खत तुम जाओ रे सागर सिंह को बुला कर चले कोई धमकी दी से बैठाओ जाओ साले जल्दी सागर सिंह ओ सारे सिंह सारे सिंह हो सिंह सागर अरे ओ राम सिंह अरे यार कल दो निमंत्रण आया कहीं से यार ऐसे कहा करो काफी दिनों से दावत नहीं खाने को मिली है आज दावत में चलना है हमें दावत खाने का मौका है सुनो कौशल व सागर सिंह बात को ध्यान से मेरी यानी तुम्हारे साथ भाई देखो इस रियासत के अंदर वसूल है जो इंसान तुम्हें निमंत्रण देता है वो हमें नहीं छोड़ता है वो हमें भी साथ में पूछता है आगे देखो सुनो कौशल व सागर सिंह बात को ध्यान से मेरी खबर लूंगा बहुत ही जल्द जरा इसमें नहीं देरी है ये साला निमंत्रण आया है कैसे बवाले जाल सागर से आगे खबर लूंगा बहुत ही जल्द जरा इसमें नहीं देरी बना है राका डाकू तुम्हारे जुल्म के कारण हमेली पर तुम्हारे करने वाला हूँ फेरी लूटा बहन की इज्जत पिता धर्मों को मारा है लगा दी आग घर मेरे सब करतूत है तेरी चले फिर दोनों भाई गांव को छोड़कर अरे लुच्चे बिछड़ भाई गया मेरा बदल किस्मत गई मेरी तभी से चम्मल का सरताज राका डाकू कहलाता है बदला लेने की दिल में ठान है ठानी 4440 बोल्ड खतरा तुम्हारा जानी दुश्मन डाकुओं का सरदार 4440 बोल्ड खतरा तुम्हारा जानी दुश्मन डाकुओं का सरदार डाकू राका उर्फ राकेश राकेशवा बच कैसे गया ये भैया राकेशवा बच गया अपने कहा था उन दोनों को जाकर के दहुरा में फेंक दो तुमने कहाँ फेंका था राकेश कहाँ विशाल कहाँ कह रहा हूँ दहुरा में फेंका हो जाए तब विकास के यहाँ हम गौरम फेंक दे रहा है और राकेश के यहाँ कह रहा हूँ नलियम फेंक दे जाए तो नलियम फेंक दे रहा है उल्लू के पट्टे हमने कहा था इसको दरिया में फेंक दो जाकर तुम नलियम फेंक दिए हो हम कहीं नलियम कहे हो और हमने कहा था विशाल को दहौरा में फेंक दो तो तुमने जाकर उसे अगौरा में फेंक दिया गौरव के हम गौरव साले बहुत हरामी हो सागर सिंह अब मैं बहुत बार डर लगा है अब तुम एक काम करो तुम एक काम करके राका सिंह के पास आओ और सारी हकीकत को सुनाओ हम रिलैक्स रिलैक्स तुम सारे रिलैक्स ना कह दो प्लाटिना भोसले के तुम फिकर मत करो जमींदार साहब मैं इसी वक्त जाता हूँ अभी इसी वक्त अपने दोस्त वो जो राघव प्रसाद एसपी है उनसे जाकर मुलाकात करूंगा हमेली पर पुलिस फोर्स लगाऊंगा ये पत्र रोको भैया और ये पत्र अपनी बेटी को बुला करके दे दो तुम जल्दी जाओ मैं अभी जाओ जाओ भैया जल्दी जाओ अंजू बिटिया डर रहे आज तुम्हारे पापा डर रहे वो बात नहीं बेटी धमकी रात कहा आज हमका सपना हुई हुआ है हमका सपना हुई हुआ हम सपने में देखे ना है हमका देखना है इनका करिया करिया एक भैंसा रपटाई भैया भैंसा नहीं के बड़ा तखत है तखत नहीं खत बोला जाता है बिटिया ही बैठत को संभाल कर रखे रखो ना और हम पयोरे ही नहीं करवा हमें ले चल के उन्नो इतने डरे हुए इस खत से ओ ठीक है मैं सीने मारी में डाल दे तू ना ठीक है बेटे स्टोर मारी में डाल कायदे से रखना अभी काम को जो दीवार हमको चलो ले चलो हमेली के अंदर वो जो सात सात फाटक है सात फाटक के अंदर हमें डाल तो ऊपर से इतना बड़ा
सिंह क्या? अरे क्या बात है, थाने में बैठ करके गप्पियां मड़ाते रहते हो और इलाके में साले नए नए लड़के डाकू बन जाते हो, तुम्हें किसी हाथ साले बात क्या है? अरे सिंह इतना क्यों परेशान हो? परेशान है एक साला कोई नया लड़का पूरे क्या पिलैया की तरीके से झाग रहा करम है ठाकुर साहब। बात क्या है? अद्भुत साला नया लड़का डाकू बन गया जो अपने आप को राका डाकू कहलाता है। क्या कहा राका डाकू? और उसने जमींदार कौशल सिंह की हवेली पर धमकी भरा पत्र भेजा है, उनकी जान माल का खतरा है, इसलिए तुम बहुत जल्दी के साथ में वहाँ पर सिकोटी लगाओ, फटाफट सिकोटी लगाओ, अगर जिंदगी प्यारी है तो इतना बेचैन हो जाने मन का नहीं, जाने मन का नहीं, जान माल का खतरा, जान का खतरा है, जान का। ठीक है सागर सिंह, ठीक है सागर सिंह, कोई बहादुर अफसर वहां भेजना हमें, लिखो इन साले लफंगों का मध्य नहीं है। इतना क्यों परेशान हो रहे हो? हम क्यों ही बहादुर? पुलिस की नौकरी क्या पा गया? औकात भूल गया? अरे साले बेल पर गन्ना क्यों नहीं लगाया था रे? जल्दी हवेली पर लगाओ टूपी फटाफट। ठीक है तुम वरना समझ लो दो मिनट के अंदर सस्पेंड करवा दूंगा एसपी साहब। बहुत जल्द, हाँ बहुत बहुत जल्द, बहुत जल्द चल रहा हूँ। ठीक है जाओ, नमस्कार नमस्कार। तुम मुझे को बुला करके लाओ, अभी लाता हूँ। सर अफसोस, सर अफसोस। कैसा अफसोस? राका डाकू के सभी साथी तो मेरी गोली से मारे गए सर। राका डाकू अपनी जान को बचाकर चम बस्ती के अंदर प्रवेश कर गया और बस्ती में जाकर एक मासूम बच्चे का सहारा लेकर अपनी जान को बचाकर चंबल चला गया सर। काश उस वक्त मैं ठहरता नहीं तो शायद वो राका डाकू उस बच्चे को गोली मार देता। मजबूर होकर मुझे ठहरना पड़ा और वो अपनी जान को बचाकर चंबल चला गया। वही राका डाकू आज धमकी भरा खत जमींदार कौशल सिंह की हवेली पे भेजा है। जी हाँ, मेरे लिए क्या चाहिए हुक्म? उनकी जान माल का खतरा है, तुम्हारे लिए आदेश है, तुम जाओ उनकी हिफाजत करो और उस राका को बहुत जल्द गिरफ्तार करो। सर मैं वादा करके चाहता हूँ कि मैं एक दिन राका को आपके सामने जिंदा पेश करूंगा। ठीक है तो जा सकते हैं।